राष्ट्रीय एकता शिविर के उपलक्ष्य में डाइट मंडी में देश के 16 राज्यों से आए प्रतिभागी अपनी अपनी संस्कृति के रंग बिखेर रहे हैं और सबका मन मोह भी रहे हैं। नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और डाइट मंडी के प्रधानाचार्य ने उनका पहुंचने पर स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भेंट किया। वहीं बलबीर भारद्वाज ने मुख्य अतिथि सुमन ठाकुर के अलावा सभी पार्षदों का कार्यक्रम में भाग लेने पर आभार भी जताया। इस मौके पर नगर परिषद अध्यक्ष सुमन ठाकुर ने कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आयोजन समिति का धन्यवाद किया। उन्होंने विशेषकर डाइट के प्रधानाचार्य व स्टाफ का भी धन्यवाद किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने कहा कि मंडी में राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन करवाकर मंडी का मान सम्मान बढ़ा है, जिसके लिए यहाँ के प्रधानाचार्य और उनकी टीम बधाई की पात्र हैं। डाइट मंडी में राष्ट्रीय एकता शिविर के कार्यक्रम में सभी पार्षदों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में मैं सबसे पहले डाइट के प्रधानाचार्य माननीय बलबीर जी को बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि पूरे देश से अलग अलग प्रदेशों से आए हुए एनएसएस के वॉलंटियर ने इस कल्चर एक्टिविटी में भाग लिया और अपनी संस्कृति को इतनी बखूबी से दर्शाया कि आज हमें भी लगा कि इस तरीके से अगर कार्यक्रम होते रहें तो हम अलग अलग प्रदेशों के जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं एक दूसरे के कल्चर एक्टिविटी को समझते हैं और एक दूसरे के साथ मिलनसार होते हैं। एनएसएस द्वारा ये नेशनल लेवल का कार्यक्रम प्रथम बार मंडी में होने जा रहा है और इसका बेड़ा मंडी डाइट के प्रधानाचार्य ने उठाया, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इनको मैं अपनी ओर से और नगर परिषद की ओर से बधाई देना भी चाहूंगी। और बच्चों ने जिस ढंग से अपने अपने प्रदेशों की लोक संस्कृति को इस मंच पर दर्शाया, उन सभी बच्चों को मैं बधाई देना चाहूंगी। राष्ट्रीय एकता शिविर की आज तृतीय संध्या थी। इस संध्या में जो जिन राज्यों ने पार्टिसिपेट किया उनमें विशेष रूप से राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़ और जम्मू एंड कश्मीर थे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतियां दी गई और इस आज तृतीय संध्या के हमारे चीफ गेस्ट जो थे मैडम सुमन ठाकुर जी थी, आदरणीय अध्यक्षा नगर परिषद, एवं उनकी समस्त जो हमारे काउंसलर थे वो यहां पर आए और उन्होंने हमारे जो एनएसएस परिवार के सारे जो बच्चे हैं, वॉलेंटियर्स हैं, उनको अपना आशीर्वाद दिया। हम उनका हमेशा ऋणी रहेंगे और मैडम सुमन ठाकुर जी जो अध्यक्षा हैं नगर परिषद के, उन्होंने हर संभव सहायता करने का जो है वो हमारे को आश्वासन दिया। हम उनका इस आश्वासन के लिए और इस मदद के लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में पूरी सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।